प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, माय वॉइस इज क्लियर, प्रतिदिन मीडिया ग्रुप के चेयरमैन, मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई श्री जयंतो बरुआ जी, प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क जो अपने नाम और अपने काम से असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपनी एक विशेष पहचान बनाने में कामयाब हुआ है, उनके द्वारा आयोजित इस कॉन्क्लेव में आकर सचमुच जहां पर मुझे बेहद खुशी हो रही है, वहीं पर मेरे अंदर एक आश्चर्य का भाव भी पैदा हो रहा है। खुशी मुझे इसलिए हो रही है कि प्रतिदिन मीडिया नेटवर्क लंबे समय से बड़ी प्रामाणिकता और बड़ी जिम्मेदारी से काम करते हुए पूर्वोत्तर भारत में अपनी एक साख, क्रेडिबिलिटी बनाने में कामयाब रहा है और उस पहचान को अब वह दिल्ली लेकर आए हैं और मुझे इस प्रयास में बुलाया गया है उस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए। इसलिए मैं पूरे बरुआ परिवार समेत पूरे नेटवर्क के सभी पर्सनल्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई भी देता हूं और साथ ही साथ उन्हें मैं हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। आश्चर्य मुझे इसलिए है क्योंकि इसके पहले मैंने दिल्ली के कुछ मीडिया समूहों को नॉर्थ ईस्ट में जाकर कार्यक्रम करते हुए तो मैंने देखा था, मगर मेरी जानकारी में संभवतः यह पहला अवसर है जब नॉर्थ ईस्ट के किसी मीडिया ग्रुप ने दिल्ली में आकर नॉर्थ ईस्ट का यह संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस एक नई सोच और नई शुरुआत के लिए मैं जयंतो बरुआ जी आपको और आपकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, असम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट जिसमें 8 राज्य हैं, आप सब जानते हैं कि पहली बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे अष्टलक्ष्मी कहकर पुकारा है, कहा है कि हमारा यह नॉर्थ ईस्ट तो अष्टलक्ष्मी का यह स्वरूप है और वे आज़ादी के बाद से लंबे समय तक ही यह नॉर्थ ईस्ट हमारा उपेक्षा का शिकार रहा है। विकास भी जितनी तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, जितना ध्यान दिया जाना चाहिए, वह भी संभव नहीं हो पाया। उपेक्षा और इसी निराशा के कारण नॉर्थ ईस्ट न केवल पिछड़ता चला गया बल्कि किसी न किसी हद तक लोग वहाँ के महसूस करते रहे कि हम देश की मुख्य धारा से हम कटे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि यह जो इस सोच थी, यह जो स्थिति बनी हुई थी, वह न तो समाज के हित में ही थी और न तो वह देश के हित में ही थी। अब इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा करने का दोषारोपण मैं किसी पर नहीं करना चाहता और यह बतलाने की मुझे जरूरत नहीं है, मगर इस चक्कर में पूर्वोत्तर के हमारे बहनों और भाइयों के साथ जो नाइंसाफी हुई उसकी भरपाई करने के साथ साथ उन्हें पूरा सम्मान और विकास देने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पुरजोर तरीके से काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका हमारे भारत का एक बाजू है, इसे जिस तरह से लंबे समय तक नज़रअंदाज किया गया था उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यह खामियाजा भी इस देश को भुगतना पड़ा है। मैं मानता हूं यदि अटल जी की NDA की सरकार केंद्र में न बनी होती तो नॉर्थ ईस्ट का इलाका कुछ साल और पीछे चला गया होता। अटल जी की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को वह सम्मान दिया जिसका वह हमेशा से हकदार रहा है, मगर समस्याएं इतनी गंभीर थी कि विकास के लिए अटल जी को यहाँ स्पेशल पैकेज भी देने पड़े, वहीं पर पूरे नॉर्थ ईस्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके इसके लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए पड़ी और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस काम को किया था तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था और इसकी जो शुरुआत हुई वह बीच के 10 साल में थोड़ा पटरी से उतरी, मगर 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे लिए केवल हमारी यह प्रायोरिटी ही नहीं था बल्कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट यह हमारे लिए कमिटमेंट था। और आज लगभग 8.5 साल का समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार ने पूरा कर लिया है और इन 8.5 वर्षों में
जो सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूं, वह है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का कंपैरेटिवली बेटर होना। मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति की स्थापना काफी हद तक हुई है। 100% की मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन कह सकता हूं कि पहले के कंपैरिजन में काफी हद तक हमको कामयाबी मिली है। और मुझे इस बात का निश्चित रूप से हर्ष होता है कि शांति की स्थापना की प्रक्रिया से मुझे वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक गृह मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला है। अब हमारे मित्र अमित शाह जी गृह मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं पिछले 3.75 वर्षों से, और 2014 के बाद मैं पूर्वोत्तर के हर राज्य में हिंसा की घटनाओं में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 80-90% की कमी आई है, उसमें गिरावट आई है। तमाम जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, जिन्हें हम उग्रवादी संगठन कहते हैं, तमाम उग्रवादी संगठन या तो समाप्त हो गए हैं या उन्होंने सरेंडर कर मुख्य धारा में शामिल होने का उन्होंने फैसला कर लिया। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का, किसी देश का विकास हम करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त और दुरुस्त होना, और इस पहली शर्त को पूरा करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने पूरा प्रयास किया है और काफी हद तक इसमें हमको कामयाबी भी हासिल हुई है। पूर्वोत्तर की माताओं बहनों के लिए खुशी का मौका है, क्योंकि उनके बच्चों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर, जंगल की जिंदगी त्याग कर आम नागरिकों की तरह अपने परिवार में पुनः वापस लौटने का फैसला किया है। इससे पूर्वोत्तर राज्यों में न केवल शांति आई है, बल्कि मैं मानता हूं जन जीवन भी पहले के कंपेरिजन में काफी आसान हुआ है। 80% ऐसे इलाके हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं जहां से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यह समाप्त कर दिया गया है, और मैं मानता हूं कि इस दृष्टि से इसे समाप्त करने के बाद स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी यह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और आएगी ही नहीं बल्कि आगे और बढ़ेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने बताया कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ठाक न हो, तब तक कोई सिस्टम लंबे समय तक काम नहीं कर सकता है। और मगर शांति व्यवस्था के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में दूसरी बड़ी समस्या जो थी, क्योंकि 25 वर्ष पहले से मैं नॉर्थ ईस्ट में आना जाना मैंने प्रारंभ किया था, तब से मैंने देखा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो थी वह कनेक्टिविटी की थी। मैं कह सकता हूं कि कनेक्टिविटी की समस्या को बड़े ही नजदीक से मैंने देखा है, और मुझे याद है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की कैपिटल्स तक पहुंचने का कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं हुआ करता था। जब से मैंने जाना शुरू किया है तो असम में तो था, जब राजधानी तक ही पहुंचना संभव न हो तो अन्य इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। आज हर नॉर्थ ईस्ट राज्य में देश की राजधानी दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि हर राज्य को आज एयरपोर्ट से जोड़ा जा चुका है। यहां तक कि सिक्किम को भी, जहां पर कहा जाता था कि एयरपोर्ट बनाना यह बहुत कठिन काम है, असंभव है, वहां भी एक एयरपोर्ट यह काम कर रहा है। कोई कह सकता है कि केवल एयरपोर्ट से ही कनेक्टिविटी का लाभ हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसके लिए रोड और रेल कनेक्टिविटी का होना भी यह आवश्यक है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को मैं भी अच्छी तरह जानता हूं कि पहले समय से अरुणाचल जाने के लिए 3 दिन का समय लगता था, और अरुणाचल छोड़िए असम के लोगों को ही ब्रह्मपुत्र के इस पार से उस पार जाने में कई बार 2 दिन का समय लग जाता था। मात्र 8.5 वर्षों में दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि तस्वीर बदली हुई है। आज नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में रोड और रेल कनेक्टिविटी में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है, मगर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम सही दिशा में काम कर रहे हैं और तेजी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। मित्रों, मेरे पास आंकड़े हैं। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी
तो नॉर्थ ईस्ट में केवल 1079 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था। हमने 2.5 गुना सड़कें, यानी अपनी गवर्नमेंट आने के बाद 2731 किलोमीटर सड़कों का अब तक निर्माण हुआ है। अभी इस साल के बजट में नॉर्थ ईस्ट के लिए 58,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का भी संकल्प लिया गया है। और यह तो केवल सड़क के लिए है, नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 1,34,000 करोड़ रुपए से अधिक का फंड एलोकेशन किया जा चुका है। और इस दिशा में अभी इसी सप्ताह कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए पीएम डिवाइन एक नई योजना को मंजूरी दी है। अभी 2 दिन पहले ही 6,500 करोड़ रुपए की हम लोगों ने स्वीकृति की है। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में रेल कनेक्टिविटी यह दे दी गई है। अभी इसी साल मणिपुर, जहां लोग कहते थे कि रेल की सुविधा तो वहां किसी भी सूरत में संभव ही नहीं है, उस मणिपुर को भी रेल से अब जोड़ दिया गया है। ब्रह्मपुत्र पर वर्षों से लंबित था बोगीबिल ब्रिज परियोजना, आप सभी जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का भी काम पूरा हो चुका है और इस पर मोटर गाड़ी और साथ ही साथ रेल दोनों ऊपर नीचे आ जा सकते हैं। मित्रों, मुझे जानकारी है कि उड़ान योजना के अंतर्गत 23 नए रूट सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में खोले गए हैं और असम को इस इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन का सबसे अधिक लाभ होने जा रहा है, क्योंकि हम असम में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम का विकास और भी तेजी से होना सभी के हित में है, क्योंकि असम न केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का गेटवे है, बल्कि भारत के ईस्ट एशियाई देशों के साथ बढ़ रही राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी यह लगातार केंद्र बनता जा रहा है। आप में से कई लोगों को संभवतः इस बात की भी जानकारी होगी कि भारत को थाईलैंड से हाईवे के रास्ते जोड़ने की एक बहुत एम्बिशियस जो हमारी परियोजना थी, उस पर भी काम चल रहा है। जिस दिन यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो कनेक्टिविटी में सुधार आया है, उसके परिणाम स्वरूप नॉर्थ ईस्ट के लोग अब भारत के अन्य राज्यों में बड़ी आसानी से आ जा सकते हैं, अब वे वहां रोजगार और व्यापार कर रहे हैं। मगर मुझे सबसे प्रसन्नता उस दिन होगी जब हमारे नॉर्थ ईस्ट के बेटे बेटियों को रोजगार पाने के लिए अन्य राज्यों की ओर जाने की व्यवस्था नहीं होगी, मजबूरी नहीं होगी। वैसे कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन हमें इम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट के बाहर ही जाना पड़ेगा, कम से कम यह मजबूरी नहीं रहेगी। यह बात भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कनेक्टिविटी डेवलप की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने अपना ध्यान दिया है, उसके आधार पर मेरा यह कॉन्फिडेंस यह बिल्डअप हुआ है, उस प्रकार की स्थिति एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी शायद फ्यूचर में नहीं रहेगी। आज असम सहित नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे जो बतलाया गया है वो यह बतलाया गया है कि सभी बिजनेस प्रपोजल्स को जल्द से जल्द क्लियरेंस मिल रही है। इस समय सच्चाई को आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे क्या है, लेकिन मुझे जो बतलाया गया है, बिजनेस प्रपोजल्स को क्लियरेंस जितनी जल्दी हो सकती है वह गवर्नमेंट के द्वारा मिल रही है। करीब 10 लाख से अधिक एप्लीकेशन का डिस्पोजल केवल हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व की गवर्नमेंट ने असम में किया है। मोर देन 10,000 एप्लीकेशन, 10 लाख से अधिक एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया गया है, यह मुझे जानकारी दी गई। और पिछले 8.5 वर्षों में जिस तरह से कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों को मिली है, उसका पूरा लाभ वहाँ के किसानों को और साथ ही साथ बागवानी में काम करने वाले लोगों को भी मिल रहा है। पहले नॉर्थ ईस्ट के किसानों के पास अपना माल, अपनी चीज जो भी वो पैदा करते थे, बाहर भेजने का कोई भी व्यवस्थित रास्ता नहीं था। आज
असम से सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि हल्दी, अदरक जैसे मसाले और अनानास जैसे ताज़ा फल भी विदेशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, यह भी हकीकत है। और एक बड़ा परिवर्तन मित्रों जो नॉर्थ ईस्ट में देखने में आया है वह है वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़े पैमाने पर एक सुधार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का काम चल रहा है या तो वह खुल चुके हैं, क्योंकि मुझे याद है कि आज के एक साल डेढ़ साल पहले ही यह फैसला कैबिनेट में लिया गया था। और मुझे जानकारी है कि असम में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं जिसमें से 7 का निर्माण चल रहा है और 8 की योजना बनाई जा रही है। कई कैंसर हॉस्पिटल भी असम में खोले गए हैं जैसा मुझे बताया गया है, जबकि पहले इन बीमारियों का इलाज करने के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जाने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता था। इतना ही नहीं, 2014 से पहले पूरे देश में केवल 7 एम्स थे और यहां पूरे नॉर्थ ईस्ट में तो एक भी एम्स नहीं था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने 16 नए एम्स खोलने का फैसला किया और उनमें से एक तो आपके असम की राजधानी गुवाहाटी में ही खुल गया है, यह मुझे बताया गया। ये सच्चाई है, एम्स खुला है और आज गुवाहाटी में पूरे नॉर्थ ईस्ट का पहला डाटा सेंटर खोला जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यह भी दे दी गई है और मैं स्वयं गया था मणिपुर, मैंने देखा कि उसकी भव्य बिल्डिंग वहां पर खड़ी हो रही है। यानी हर चीज जो पहले नॉर्थ ईस्ट में नहीं थी और कई बार सोची भी नहीं जाती थी वह आज इन राज्यों तक पहुंच गई है। मित्रों, यह सारा परिवर्तन जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम यह मानते हैं कि जब तक नॉर्थ ईस्ट का सही मायनों में डेवलपमेंट नहीं होगा, एक सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा सेल्फ रिलायंट भारत का जो हमारा ड्रीम है वो हमारी ड्रीम किसी भी सूरत में पूरी नहीं हो पाएगी। आज हमारा भारत अपनी आज़ादी के 75 ईयर्स पूरा करके अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसके आगे के जो 25 वर्ष हैं यानी 2047 तक उसको अमृतकाल माना है। और अमृतकाल के दौरान हमने कई संकल्प लिए हैं और उनमें सबसे बड़ा संकल्प है भारत को एक डेवलप्ड और सेल्फ रिलायंट भारत के रूप में खड़ा करना, यह हमारा संकल्प है। और यह संकल्प पूरा करने के लिए हर क्षेत्र में प्रयास किए जा रहे हैं और मैं देश के रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि रक्षा के क्षेत्र में भी यह प्रयास बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। मैं बहुत अपनी बात को लंबा नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में डिफेंस सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन इस समय है उसकी 2-3-4 बातें आपसे मैं कहूँगा। सामान्यतया कोई हमको प्लेटफॉर्म, वेपन्स या कुछ भी लेने पड़ देते हैं, एम्यूनिशंस हमको दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। हम लोगों ने संकल्प किया है अब धीरे धीरे हम इसको सिलसिला को समाप्त करेंगे और चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे वेपन्स हो, चाहे एम्यूनिशंस हो, अब भारत में ही बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, यह हमारी गवर्नमेंट का संकल्प है। तभी जाकर हमारा भारत यह सेल्फ रिलायंट हो पाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब से डिफेंस मिनिस्टर के रूप में हमने जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद की बात बतला रहा हूं, 419 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स की एक पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर दी है कि कुछ का 23 के बाद, कुछ का 24 के बाद, कुछ का 25 के बाद, चाहे जो भी हो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करेंगे, सारी चीज़ें भारत में बनाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतवासियों के हाथों बनाएंगे, यह हम लोगों ने फैसला किया है। इसी तरह आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारी
डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो इस समय काम कर रही हैं, उसमें भी यह फैसला कर लिया है मोर देन 2500 ऐसे कंपोनेंट्स और आइटम्स जो दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे, अब दुनिया के दूसरे देशों से वह इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे बल्कि भारत में ही बनाए जाएंगे और भारतवासियों के हाथों बनाए जाएंगे। जो चीज़ें भारत में आसानी से बनती हैं, आसानी से बन सकती हैं, उन्हें दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने कहा मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, भारत में बनाओ और सारी दुनिया के लिए बनाओ, ये हम लोगों का संकल्प है। अब इस देश में भी आधुनिक रक्षा सामग्रियां बन सकती हैं, यह भरोसा लोगों के अंदर यह पैदा हुआ है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा INS विक्रांत या इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी लॉन्चिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी हाल में ही की है, एक संभवतः 20-25 दिन पहले की है। पहले कभी कोई कल्पना नहीं करता था इंडिजिनस हमारे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बन सकता है। शायद इनमें से बहुत सारे लोगों की कोई जानकारी इस बात की ना हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है। इस पर प्लेन्स भी उतर सकती हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उलग सकती हैं और 20-25-30 हमारी प्लेन्स उसी कैरियर के ऊपर, उसी उसको आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रह भी सकती हैं, उनको रखा भी जा सकता है, उनका मेंटेनेंस भी हो सकता है। और यह जो INS विक्रांत ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर बना है, आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें 76% इंडिजिनस कंटेंट है, 76% इंडिजिनस कंटेंट है। आज के कुछ वर्षों पहले तो कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था। साथियों एक समय था जब देश में केवल 1400 करोड़ का ये एक्सपोर्ट होता था और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद यह बढ़कर मोर देन 13,000 करोड़ हो गया है। हम लोगों ने फैसला किया है कि 24-25 समाप्त होते होते हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को मोर देन 35,000 करोड़ तक ले जाएंगे, मोर देन 35,000 करोड़ तक ले जाएंगे। और यह काम असंभव नहीं है और अभी तक इस असंभव से लगने वाले काम को संभव बनाने की इच्छा शक्ति, विल पावर का जो अभाव था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं अब वह अभाव, वह कमी विल पावर की अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है। भारत को हम एक सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम एक स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, तभी जाकर हमारा यह भारत एक आत्मनिर्भर भारत बन सकता है। और यह अस्पष्टता, यह क्लैरिटी हमारे गवर्नमेंट में बैठे सभी लोगों के दिलो दिमाग में पूरी तरह से हो चुकी है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। क्यों मैं इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, कोई दुनिया का देश हो चाहे नॉलेज के मामले में क्यों ना बहुत आगे हो, साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में क्यों ना बहुत आगे हो, वहां पर बड़े बड़े फिलासफर हों, बड़े बड़े साइंटिस्ट हों, बड़े बड़े टेक्नीशियंस हों, लेकिन उस कारण से वह भारत एक वह देश शक्तिशाली देश, पावरफुल कंट्री नहीं मानी जाएगी। वह कंट्री पावरफुल तभी मानी जाएगी जबकि वहां पर मिलिट्री पावर जब पावरफुल होगा तभी जाकर वह पावरफुल कंट्री मानी जाएगी। मैं यूनान और रोम इसका उदाहरण मैं दूंगा तो लंबा समय लगेगा कि यूनान कितनी डेवलप्ड कंट्री थी, रोम ने जब उस पर कब्जा किया, वहां के फिलासफर्स को, वहां के साइंटिस्ट को, वहां के टेक्नीशियंस को जब वो गुलाम बना लिया, तो रोम के डेवलपमेंट में उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था जिनको कि यूनान से रोम ने गुलाम बनाने का काम किया था। और यूनान की स्थिति क्यों ऐसी हुई, उनके पास सब कुछ था लेकिन मिलिट्री पावर नहीं था। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी मिलिट्री पावर के प्रति भी हिंदुस्तान के दुनिया के लोग यह मानने लगे हैं कि भारत की मिलिट्री पावर दिनों दिन मजबूत होती जा रही है, दिनों दिन ताकतवर होती जा रही है। जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ है, बहुत डिटेल में जाकर मैं इसकी यहां पर चर्चा करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बहनों भाइयों यदि सारी बातें खोल कर रख दी जाएं तो हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाए और अपने देश के सेना के जवानों पर उन्हें गौरव की अनुभूति होगी, सेना के जवानों के ऊपर गर्व की एक अनुभूति होगी। हालात पूरी तरह से बदले हुए, बॉर्डर एरिया में कनेक्टिविटी का काम भी तेजी के साथ चल रहा है और नॉर्थ ईस्ट का हर एक राज्य हमारे देश की सेनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है
और मैं आज इस मंच से एक बात मैं रखना चाहूँगा, वह है नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सभी भारतवासियों को, मैं दोहराना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने सभी भारतवासियों को यह दिखाया है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वे देश की एकता और अखंडता के लिए पूरी तत्परता से, पूरी मजबूती के साथ काम करते रहते हैं। यह कमिटमेंट है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, यह करके दिखाया है। इस पर किसी को संदेह हो सकता है, कोई संदेह करने वाला करे, लेकिन हम लोगों को इस पर रंच मात्र भी संदेह नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने क्या क्या नहीं झेला है, कभी कभार तो उन्हें अपने ही देशवासियों की उपेक्षा भी झेलनी पड़ी है, मगर भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा में उनके कदम कभी पीछे नहीं हटे हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग बधाई के पात्र हैं। और मैं अभी कुछ दिनों पहले असम और अरुणाचल प्रदेश गया था। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के सीमा से के पास एक जगह है अनिनी, अनिनी में गया था वहाँ अपने जवानों से मिलने के लिए। मित्रों, BSNL को छोड़कर कोई प्राइवेट नेटवर्क वहाँ काम नहीं कर रहा था। सड़कों की स्थिति लोग कहते थे पहले से बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। तो मैंने अपने वहाँ सेना के जवानों से पूछा कि आप कैसा महसूस करते हो, तो उनका जानते हैं क्या जवाब था। उन्होंने जवाब दिया, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। यही हमारे सेना के जवानों का की आवाज़ थी। और यह गीत इस इलाके में तैनात सैनिकों के होठों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के होठों पर तैरता है। और सेना और सामान्य जन का एक ऐसा बढ़िया तालमेल, वह भी बेहद विषम परिस्थितियों में, सिर्फ इन्हीं नॉर्थ ईस्ट राज्यों में ही मिल सकता है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा भी सैनिकों के कल्याण के लिए बेहद समर्पित हैं। और इसकी चर्चा में, सभी मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, लेकिन इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक पूर्व सैनिकों का उन्होंने कार्यक्रम किया था, उसमें मुझे बुलाया था, और जो जो कमिटमेंट उन्होंने किया है पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए, अथवा अग्निवीरों के का जो सिलेक्शन होगा, उसके बाद अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद जब निकलेंगे तो उन्हें सेवा का अवसर असम में कैसे प्रदान किया जाएगा, इसलिए मैं उसकी सराहना करना चाहता हूँ। अभी जब 71 के युद्ध के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया गया, तो उन्होंने उस युद्ध में भाग लेने वाले तमाम सैनिकों को, उनके परिवारों को, शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया था। बड़ी संख्या में लोग गुवाहाटी में आए थे, मैं स्वयं भी मौजूद था उसमें। साथियों, सरकार, सेना और सामान्य जन में इस प्रकार का म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ऐसा परस्पर सौहार्द जो देखने के मुझे मिला है, पूरा भरोसा है भारत की सेनाओं के ऊपर, यदि कोई आंख उठाकर देखने का की कोशिश करेगा तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि मेरे बहनों भाइयों, इतिहास बदल जाएगा, अब भारत वैसा भारत नहीं था जैसे भारत के बारे में लोग सोचा करते थे। भारत तब कमजोर भारत नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय भारत में भारत की इज्जत बढ़ी है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो लोग भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेते थे। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत बोलता है तो लोग कान खोल कर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय जगत में बनी है। मुझे इसी मंच से यही कहना है कि हम देश की जनता के कल्याण के लिए काम करना, यह हमारा कर्म है और हमारा धर्म है। और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार इसी भाव से यह काम कर रही है। भूपेन हजारिका जी की एक कविता है, अब कविता मुझे याद नहीं थी, लेकिन लोगों ने बतलाया कि यह बहुत ही अच्छी है। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं असमिया समझ नहीं पाया, मुझे कहा हिंदी में बतलाइए। अब मैं इसको बोलूँगा तो हो सकता है कि मैं सही बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा। कर्मई आमार धर्म, कर्मई आमार धर्म, आमी नतून जुगर नतून मानव, अनिम नतून स्वर्ग, अवहेलित जंतार बाबे धराद पातिम स्वर्ग। मैंने ठीक पढ़ा है? चलेगा? चलेगा, दौड़ेगा नहीं। कर्म ही हमारा धर्म है,
हम हैं नए जमाने के नए इंसान, मैं एक नया स्वर्ग लाऊंगा उपेक्षित जनता के लिए, मैं धरती पर स्वर्ग बनाऊंगा, यह भूपेन हजारिका ने कहा। डॉक्टर भूपेन हजारिका के इन्हीं शब्दों में हमारी नीति भी स्पष्ट होती है और हमारी नीयत भी स्पष्ट होती है। मेरे बहनों भाइयों, आज भारत की आज़ादी को 75 वर्ष का लंबा समय यह गुजर चुका है और आने वाले 25 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री ने जो अमृतकाल जिसे कहा है, इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह बात कही और एक बात निकलती है कि हमें चाहे जो भी हो, हमको 2047 समाप्त होते होते भारत को एक सामान्य देश नहीं बल्कि एक सुपर पावर के रूप में हमको खड़ा करना है। 25 वर्षों का समय मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त होता है। पिछले 8.5 वर्षों में इस दिशा में तेजी के साथ काम हुआ है और अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि ग्रोथ रेट बढ़ी है। इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, हमारे इकोनॉमिस्ट भी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। पहले के तुलना में मैं कह सकता हूं कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम डायनेमिक हुआ है और साथ ही साथ स्ट्रांग हुआ है। पहले लोग मानते थे कि अर्थव्यवस्था जैसी चीज़ों में केवल बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट होते हैं, कारोबारी होते हैं, उन्हीं वही स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों कि अब देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने के लिए समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को भी स्टेक होल्डर बना दिया है। केवल पैसे वाले लोग ही देश की अर्थव्यवस्था में स्टेक होल्डर नहीं है बल्कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ गरीब से गरीब जो व्यक्ति है वह भी अब स्टेक होल्डर बन गया है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 45 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं जिसकी सराहना यूनाइटेड नेशंस में भी की गई है। कोई यह कल्पना नहीं करता था कि 45 करोड़ सभी परिवारों के, गरीबों के भी बैंकों में अकाउंट्स खुल जाएंगे। और मैं कह सकता हूं कि आज हमारा यह गरीब केवल अकाउंट होल्डर ही नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट में वो स्टेक होल्डर बन चुका है। जनधन, आधार और मोबाइल, यह त्रिमूर्ति ने देश में एक डिजिटल इकोनॉमी को भी एक बहुत जबरदस्त मजबूती दी है और दुनिया के कई देश इस पर आश्चर्य कर रहे हैं। आज भारत के डिजिटाइजेशन की रफ्तार 30% से अधिक है जो डेवलप्ड और अन्य सारी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कहीं अधिक है। और साथियों, मिशन गतिशक्ति के अंदर केंद्र सरकार ने $1.5 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार करने का निर्णय कर लिया है। इसके अंतर्गत एक ऐसा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान बनाया गया है जो देश में रोडवेज, हाईवेज, वाटरवेज, एयरपोर्ट्स, मेट्रो रोड बनाने की दिशा में काम कर रहा है और यह काम तेजी के साथ चल रहा था। एक समय था जब अमीर आदमी भी हवाई यात्रा कर सकता था, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि आज चप्पल पहनने वाला भी आज भारत में हवाई यात्रा कर सकता है और हवाई यात्रा का किराया जो है 5 रुपये प्रति किलोमीटर के दर से अब जाकर आज़ाद भारत में पहली बार तय होता है। पहले मेट्रो केवल कलकत्ता, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में चला करती थी, आज देश के कई राज्यों में मेट्रो की सुविधा हो गई है। करिश्माई काम, 2014 के पहले हमारे देश में केवल 450 यह स्टार्टअप्स हुआ करते थे। आप कल्पना करिए, ध्यान से इस बात को सुनिए, पहले 2014 के पहले केवल 400-500 मैक्सिमम स्टार्टअप्स हुआ करते थे। 8.5 वर्षों के अंदर वह करिश्मा हुआ है कि आज भारत में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 70,000 करोड़ से अधिक की हो गई। हमारे देश के नौजवानों में कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है इसकी कल्पना करिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, कि करीब उसमें से more than 100 यूनिकॉर्न, माने जिनकी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हुई है,
नौजवानों ने इस काम को प्रारंभ किया है, वह भारत में बनाया और दुनिया इस पर जो है आश्चर्य व्यक्त कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में कभी हमारा भारत 147th इस पेडस्टल पर खड़ा था, आज हमने वह प्रोग्रेस की है कि 147 के पायदान से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत 63rd पर आकर खड़ा हो गया है। यह प्रोग्रेस हुई है और हम निरंतर इस दृष्टि से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर जहां हम लोगों ने बल दिया है, वहीं पर ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर भी हमारी सरकार ने विशेष बल दिया है। क्या क्या किया है बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। हर व्यक्ति को आवास मिलना चाहिए, हर गांव में बिजली होनी चाहिए, इसको तो अब तो पूरा भारत ही नहीं दुनिया स्वीकार करती है कि हमारी गवर्नमेंट ने इस काम को किया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में मुझे जानकारी है कि बहुत स्थानों पर घर घर में लोगों तक पानी नल के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुआ है। पूरा हो पाया है कि नहीं पूरा हुआ है तो पूरा होकर रहेगा, यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी लोगों को जिस तरीके से मकान मिले हैं उससे भी आप सब अच्छी तरह परिचित होंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय भी हमारे कंट्री में 18,000 ऐसे विलेजेस थे जहां के लोगों ने रोशनी देखी नहीं थी। उन विलेजेस का भी इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया है। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना, इसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आयुष्मान भारत योजना यह हेल्थ सिक्योरिटी की स्कीम हमारी, यह भारत की जैसी स्कीम है दुनिया के किसी देश में इस प्रकार की हेल्थ सिक्योरिटी की स्कीम नहीं है। इसी तरह जब देश में कोरोना के कारण गरीब परिवारों पर आजीविका का संकट पैदा हुआ, हमारी गवर्नमेंट 80 करोड़ गरीबों को फूड सिक्योरिटी कवर दे रही है। भारत में न कभी हुआ था न दुनिया में कहीं हुआ था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं न कोई भविष्य में यह करने का साहस कर पाएगा। मित्रों, भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही डायनेमिक और एफिशिएंट बनने का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया के बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं रिकॉर्ड महंगाई की समस्या से जूझ रहे हैं, वहीं मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महंगाई भारत में बेकाबू नहीं होने पाई है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में महंगाई नहीं बढ़ी है, बहुत सारे चैलेंजेज रहे हैं, उन चैलेंजेज की मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता हूं। हमारे यहां भी महंगाई बढ़ी है। ब्रिटेन 18% है रेट ऑफ इन्फ्लेशन वहां पर, अमेरिका में 9-10% है, और इन देशों की जनता कई डिकेड्स से इसके पहले उन्होंने कभी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और महंगाई के बारे में जानते ही नहीं थे। भारत में तब भी हमने काफी हद तक उसको कंट्रोल करने में कामयाबी हासिल की है और अप्रॉक्सिमेटली 7% के आसपास हुआ है। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री में महंगाई पर काबू रखने और साथ ही साथ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने का यह परिणाम है कि आज फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत की तरफ तेजी के साथ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। 2021-22 में केवल एक साल बतलाना चाहता हूं आपको, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $83 बिलियन का हुआ है। केवल अगस्त महीने में $6 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भारत के इतिहास में इसके पहले कभी नहीं हुआ है। मित्रों, दुनिया के बाजारों में मंदी यानी रिसेशन की आशंका जोर पकड़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था उसके बावजूद दुनिया के लोगों के लिए उम्मीदों का, आशाओं का, विश्वास का यह भारत एक केंद्र बना हुआ है। भारत के ऊपर लोगों का विश्वास है, दुनिया के लोगों का। मैं एक स्टेटमेंट उसकी मैं याद दिलाना चाहता हूं, कल ही आपने मीडिया में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि दुनिया में कठिन आर्थिक हालात के घने अंधेरे के बीच भारत एक चमकता हुआ सितारा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना ने यह बात कही है। दुनिया में
कठिन आर्थिक हालात के घने अंधेरों के बीच भारत एक चमकता हुआ सितारा है और हमारे रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो भारत में हुए हैं हमारी गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है उसकी भी उन्होंने सराहना की है। मेरे बहनों भाइयों, एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है, केवल 2021-22 में 400 बिलियन डॉलर को हम क्रॉस कर गए हैं, आज 418 डॉलर तक वो पहुंच गया है। आज भारत की जो करेंसी है रुपया रूपी, मित्रों हम यही नहीं रुके हैं, ग्लोबली एक्सेप्टेंस हमारी रूपी को, हमारी करेंसी को कैसे मिल सके, हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया है। केवल डॉलर से काम नहीं चलेगा, ग्लोबली एक्सेप्टेंस हमारी करेंसी रुपए को भी मिलनी चाहिए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने अब अपना काम प्रारंभ कर दिया होगा। और आपने सुना होगा कि भारत सरकार अन्य देशों में भी UPI को एक्सेप्टेबल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है। मित्रों आज दुनिया के अधिकांश देश अपनी अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती का सामना कर रहे हैं। अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अपना ग्लोबल GDP की डेवलपमेंट रेट 2022-23 में 2.9% रहने का अनुमान लगाया है। यह इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ग्लोबल GDP का अनुमान लगाया है कि वह 2.9% रहेगी 2022-23 में, जबकि भारत की ग्रोथ रेट के बारे में उन्होंने कहा है कि यह अप्रॉक्सिमेटली 6.1% रहेगी। दुनिया की 2.9% रहेगी लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 6.1% रहेगी, यानी विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में केवल भारत ही ऐसी अर्थव्यवस्था है जो 6% से अधिक की रफ्तार से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों हमारा सपना है कि भारत को इस डिकेड में ही आज तो फिफ्थ हम मेजर इकोनॉमीज में आकर खड़े हो गए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़े हो गए हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश है यह डिकेड समाप्त होते होते भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो जाए, यह हमारे गवर्नमेंट की कोशिश है। थर्ड मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत खड़ा हो जाए, और मैं थर्ड की बात नहीं करता हूं, समय लगेगा, अमृतकाल समाप्त होते होते यानी 2047 तक हमारी भारत की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए, यानी नंबर 1 की इकॉनमी हम बन जाए, यह हमारी सरकार का प्रयत्न है, सारा देश साथ खड़ा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और जयंत बरुआ जी आपने इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया, यह आपका मेरे प्रति हम सब के प्रति जो स्नेह है उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूँ।